अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ सिंगापुरियन राइस, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले चिकन की ग्रेवी बना रही हूँ, और उसके लिए यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून ऑयल। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ लहसुन। लहसुन को मैं थोड़ी देर के लिए फ्राई करूंगी, कुछ सेकंड्स के लिए। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन बोनलेस। मैंने 1 पाव बोनलेस चिकन लेकर उसको स्ट्रिप्स में काट लिया था, और अब मैं चिकन को जो हूँ वो पकाऊंगी जब तक कि ये जो है वो गल जाए। इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं जाएगा, और मैं इसको जो हूँ वो मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ। चिकन गल जाने के बाद अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नमक हसबे जायका और 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। उसके बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ लंबाई में कटा हुआ शिमला मिर्च। मैंने 2 शिमला मिर्च लिए थे छोटे, आप चाहें तो एक बड़ा ले सकते हैं। बंद गोभी मैं डाल रही हूँ, वो भी मैंने लंबाई में काटी हुई थी। और अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ यहाँ पे, और इनको मैं ज़्यादा देर जो है वो फ्राई नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे सब्ज़ियाँ ये क्रंची ही अच्छी लगती हैं। अगर आप इनको नरम करना चाहते हैं तो भले आप थोड़ी देर ज़्यादा इनको फ्राई कर लें। और मेरे पास गाजर अवेलेबल नहीं थी, मुझे नहीं मिली तो मैंने नहीं डाली, और अगर आपके पास हो आप अवेलेबल तो आप इसमें ज़रूर डालिएगा, उससे भी इसका टेस्ट अच्छा होता है। अब यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून सोया सॉस, साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका, और अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो 2 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। सिरका डाल देने के बाद अब मैं इनको जो हूँ वो दोबारा से मिक्स करूँगी अच्छे से, ताकि जो है इसमें सॉसेस अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस। आप चाहें तो केचप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे केचप का फ्लेवर ज़्यादा नहीं पसंद, तो मैं इसमें चिली गार्लिक सॉस ही डाल रही हूँ। और उसके बाद मैं इनको फिर से जो है वो मिक्स कर दूँगी। मिक्स कर देने के बाद अब यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ 3 कप पानी, और अब मैं इसको पकाऊंगी हाई फ्लेम पे ताकि इसमें एक उबाल आ जाए। उबाल आ जाने के बाद अब यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर डाल रही हूँ। मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लेकर 1 प्याली पानी में मिक्स कर लिया था, और अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ जब तक कि ये जो है वो गाढ़ा हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रेवी हमारी गाढ़ी हो चुकी है, तो ये गाढ़ी होने के बाद अब बन चुकी है। अब इसको मैं फ्लेम ऑफ करके साइड में रख दूँगी, और अब यहाँ पे मैं पका रही हूँ चावल। चावलों के लिए मैं इसमें 3 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ। मैंने फ्लेम जो है वो इसकी मीडियम रखी हुई है। ऑयल डाल देने के बाद अब यहाँ पे मैं इसमें थोड़ी सी स्पैगेटी डाल रही हूँ। स्पैगेटी मैंने थोड़ी सी लेकर उसको चॉप कर लिया था, और अब मैं इनको थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी। वैसे अगर आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इससे जो है वो चावलों के टेस्ट पे कोई ज़्यादा इतना असर नहीं पड़ता। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। नूडल्स थोड़ी सी फ्राई हो जाने के बाद अब यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मैंने 2 लेकर उनको लंबाई में काट लिया था, और इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा। अब यहाँ पे मैं इनको फ्राई करूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि इनमें से ज़ीरे और मिर्चें की अच्छी सी खुशबू आने लगे। 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ सोया सॉस, और अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स कर देने के बाद अब यहाँ पे मैं इनमें डाल रही हूँ चावल। मैंने सेला चावल लेकर उनको अच्छे से धो के 1 घंटे के लिए भिगो दिया था, और फिर मैंने उनको हाफ बॉईल कर लिया था नमक में। और अब यहाँ पे मैं चावलों को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और इस स्टेज पे आप नमक ज़रूर चेक कर लीजिएगा, अगर कम हो तो आप इसमें ऐड कर दें। और अब यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ पानी 1 कप, और पानी डालने के बाद मैं इसको मिक्स कर रही हूँ यहाँ पे। और अब मैं इनको दम के लिए रख दूँगी, तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इनको दम लगाऊँगी।
यहाँ पे दम लग गया है और चावल हमारे रेडी हैं, तो अब मैं इन सबको डिश आउट कर रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं चावल निकाल के, इसके ऊपर मैंने नूडल्स बॉईल की हुई रखी हुई है, और आखिर में मैंने इसके ऊपर रखी थी चिकन की ग्रेवी जो हमने बनाई थी, और ये अब तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप मेहंदी में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।